पत्थर लगाया जाता है, जो टाइल्स लगाई जाती है, उस पत्थर पर जितने भक्तों के चरण पड़ते हैं उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंचता चले जाता है जिसने उस मंदिर का निर्माण करवाया। एक मंदिर, जलाशय और वृक्ष बहुत जरूरी। इस छिंदवाड़ा की पहचान कैसे है? ये छिंदवाड़ा की पहचान है किस चीज से? यहाँ की प्रकृति, यहाँ का हरा भरा और यहाँ का वातावरण से छिंदवाड़ा की पहचान। और ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, दुनिया का कोई भी संत, दुनिया का कोई भी संत अगर छिंदवाड़ा की इस भूमि पर आएगा तो यहाँ की प्रकृति देखकर वो भी एक बार मन में सोचेगा कि यहाँ पर मेरा भी एक कोई धाम होना चाहिए, यहाँ पर मुझे भी रहना चाहिए। प्रकृति की सुंदरता, छिंदवाड़ा की सुंदरता देखकर, छिंदवाड़ा की प्रकृति की सुंदरता देखकर उसको भी महसूस होगा कि यहाँ इतनी सुंदर प्रकृति है, इतने जलाशय, इतने पर्वत, इतने झरने, इतना इतना सुंदर वृक्षारोपण, इतना सुंदर, यहाँ की सुंदरता को देखकर, यहाँ की वनस्पति को देखकर उसके भी मन में एक भाव जागृत। गुरुजी, हमारी छिंदवाड़ा इतनी सुंदर है, इसके बाद भी तो आप अपने भवन से निकलते नहीं हो देखने के लिए। एक बात बताएं आपको, देखने का तो हमारा बड़ा मन करता है, पर तुम जहां जाते हैं वहां ऐसे कूच देते हो कि हमारा मक्खन बना देते। दिक्कत इतनी महाराज, अब कहीं पाँव इधर रख रहे, कहीं पाँव उधर रख रहे, और बड़ी आफत। अब कल का ही प्रसंग ले लो, अब कल तो किसी को बताया नहीं था कि लाला का जन्मोत्सव हम वहाँ पर या मनाएंगे। ये